बलिया जनपद के रसड़ा श्रीनाथ बाबा मठ के ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नहीं हुआ, लेकिन रावण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते मेले में धार्मिक मंचन नहीं हो सका और ना ही मेले में रौनक दिखी। कुछ दुकानें लगी रहीं जिसमें बच्चों के खेलने के लिए सामान उपलब्ध थे। अन्य सामग्री की दुकानें खुली रहीं, लेकिन मेले में दर्शकों की भीड़ नहीं दिखी। लाखों की भीड़ लगने वाले मेले में कोविड-19 के चलते हजारों लोगों की भीड़ भी नहीं दिख रही थी। दशहरे के दिन सभी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं रसड़ा का भ्रमण करते हुए रामलीला पार्क पहुंची थी और वहां से होते हुए नदी में विसर्जन के लिए जाती थी। इस दौरान लोगों की भीड़ खचाखच मेले में रहती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते मेले में सन्नाटा पसरा हुआ था। सर अपना परिचय बताइए। महान कौशलेंगिरी श्रीनाथ जी मठ पसरा। आज ये कैसा कार्यक्रम था? आज रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दशहरा के बारे में मंत्री जी इस पे प्रकाश डाल। दशहरा क्यों मनाया जाए थोड़ा इस पे प्रकाश डाल। ये पूरे विश्व में असत्य पे सत्य का विजय के रूप में दशहरा हम लोग मनाते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो लोग हैं और सबके जीवन में एक विजय का दिवस आता है और हर व्यक्ति अपने कर्मों जो भी कार्य करता है तो उसमें चाहता है कि हम सफल हों। उसी अनुरूप हर वर्ष रामलीला का आयोजन होता है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र को प्रदर्शित किया जाता है, जो अपने जीवन में सभी लोग देखें और उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, और जो रावण का नैतिक था उसका अंत किस तरह से होता है यह प्रदर्शित होता है। आज रावण का दहन हुआ है और विजयदशमी हर हिंदुस्तानी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है।